सूर्य देव को ऐसे जल चढ़ाने से मनुष्य की आयु कम होती है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे स्वामी, सूर्य को जल देने का क्या औचित्य है? सूर्य को जल क्यों दिया जाता है? सूर्य को जल देने के क्या फायदे हैं? तथा सूर्य को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किए हैं। सूर्य की उपासना अत्यंत सुख फलदायी है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। हे पार्वती, मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिससे आपकी दुविधा समाप्त हो जाएगी और आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण करता है, उसे 100 वर्षों तक सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा। फिर भगवान शिव ने सूर्य देव की महिमा का वर्णन करने के लिए माता पार्वती को एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाते हैं। हे पार्वती, प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत प्राचीन रमणीय नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान में पारंगत था, किंतु उसने अपने ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने अपने ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने के लिए किया। ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, कभी सूर्य देव को अर्घ नहीं दिया। वह अत्यंत स्वार्थी और क्रूर स्वभाव का था। फिर एक दिन वह वन से जा रहा था, तो एक विषैले सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ब्राह्मण को यम के दूत यमलोक लेकर गए। वहां यमराज ने ब्राह्मण के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया और ब्राह्मण को नरक में डाल दिया। ब्राह्मण अनेकों वर्षों तक नरक में सजा भुगतने लगा और फिर उसे प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। उसका दूसरा जन्म एक गरीब शूद्र के घर में हुआ। दूसरे जन्म में उसे अत्यंत दुख भोगने पड़े। उस शूद्र के बड़े होते ही उसके पिता ने उसका विवाह एक युवती से करा दिया और फिर वह उस युवती के साथ वन में ही झोपड़ी में रहने लगा। विवाह के बाद अनेक वर्षों तक उस शूद्र को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह और भी अधिक दुखी रहने लगा। लेकिन इतने में ही उसके दुख समाप्त नहीं हुए। कुछ वर्षों के बाद देवयोग से उसके शरीर में भयंकर कोढ़ रोग उत्पन्न हो गया और वह भयंकर कोढ़ के रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म हुए, जिससे पस निकलता रहता था। वह कोढ़ी शूद्र अब कुछ काम भी नहीं कर सकता था और दिन भर घर पर ही पड़ा रहता था। उसकी पत्नी एक प्रतिव्रता नारी थी। उसने पति को कोढ़ होने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा और वह उसके नित्य सेवा करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती थी, उसके लिए भोजन का प्रबंध करती थी, उसे स्नान कराती थी। वह शूद्र अनेक बार मन ही मन सोचता रहता था कि किस जन्म के पाप के कारण उसे ये कोढ़ रोग हुआ है। ऐसा सोचते हुए वह बहुत ही निराश और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसके द्वार पर एक साधु पधारे। उस कोढ़ी शूद्र की पत्नी ने उस साधु महात्मा की बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उस साधु ने उस कोढ़ी की पत्नी को वर मांगने के लिए कहा। तो कोढ़ी की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, मेरे लिए मेरे पति ही सर्वश्रेष्ठ है, वही मेरे स्वामी है। अतः आपसे विनती है कि मेरे पति का रोग दूर करें और उन्हें पहले के जैसा बना दें। इस पर उस साधु महात्मा ने कहा, हे देवी, ये रोग तुम्हारे पति को उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। ये विधि का विधान है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर मनुष्य को उसके पाप कर्मों का दंड अवश्य देते हैं, कोई भी इससे चूक नहीं सकता, किंतु मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। इस रोग से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, तुम अपने पति को लेकर सूर्य देव की शरण में जाओ और सूर्य देव की नित्य उपासना करो। सूर्य देव की कृपा से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा और उसे कामदेव के समान रूप प्राप्त होगा। फिर उस साधु महात्मा ने उस स्त्री को सूर्य देव की उपासना करने की विधि बताई। उस विधि को जानकर उस कोढ़ी की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सूर्य देव की उपासना की और देखते ही देखते कुछ दिनों में उसका पति पूरी तरह से ठीक हो गया। वह कोढ़ से रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गया और सूर्य देव की कृपा से उसे सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और वह कोढ़ी शूद्र बहुत ही धनवान बन गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती,
मैं तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करने की विधि और मंत्र के बारे में बताता हूँ, जिसे करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट होते हैं, उसे उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्य की शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसके बिना ये पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्यदेव प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा आदि के देवता हैं। सूर्यदेव को मात्र जल चढ़ाने से सभी संकट दूर हो सकते हैं। संसार की हर परेशानी का हल सूर्यदेव के पास ही है। सूर्यदेव की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति में होने से जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो हमें समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वहीं कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो ज्योतिषी शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पानी में डालकर सूर्यदेव को अर्घ देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। किंतु कई मनुष्य सूर्य को जल देते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। सूर्य को जल देते समय महत्वपूर्ण नियम का पालन नहीं करते हैं। गलत तरीके से अर्घ देकर सूर्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केवल सूर्य को जल देने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। सूर्य को जल देते समय विधि का पालन करते हुए सूर्यदेव के मंत्र का जाप भी करना आवश्यक है, तभी सूर्यदेव को जल देने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव अप्रसन्न होने पर मनुष्य का बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसे चारों ओर से अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे उचिष्ट भोजन प्राप्त होता है, फलस्वरूप व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, पिता पुत्र में अकारण ही वाद विवाद होने लगता है। सूर्यदेव रूठ जाने पर व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगते हैं और उसके हाथ से अनजाने में कई अपराध हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अनिष्ट कार्य करके सूर्यदेव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें सूर्यदेव को अर्घ देने का अर्थ बताता हूँ। सूर्य को अर्घ देने से तात्पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्ति भाव से जल अर्पण करना। ये जल दोनों हाथों की ओंजल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि यदि हाथों की ओंजल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं तो हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श ना होने दें। दोनों हाथों के अंगूठे को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो ये राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ देना अशुभ माना जाता है। यदि पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना होने दें। इसका ध्यान रखें, अर्घ देते समय अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ हमेशा सूर्योदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ देने का कोई भी औचित्य नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्घ ना दे सके तो 3 बार अर्घ देने के बजाय 4 बार अर्घ दें और सूर्य देवता से क्षमा मांग लें। इससे दोष कम हो जाता है। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। तांबे को सूर्यदेव की प्रिय वस्तु माना जाता है, इसलिए सूर्य को जल देने के लिए केवल तांबे से बने पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्यदेव को अर्घ देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठरग्न के रूप में अमावस्या में अन्न को पचाने का कार्य सौंपा है। इसी कारण से तांबे के पात्र में रखे जल को पीने से व्यक्ति पेट से जुड़े रोगों से भी मुक्त हो जाता है। उस तांबे के पात्र में गंगाजल या पवित्र नदियों का जल भरे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से कभी भी अर्घ नहीं देना चाहिए।
जल के पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत जरूर डालें। आप चाहें तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध या गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। यदि किसी मनुष्य ने सूर्य को अर्घ देने का संकल्प लिया है तो ये संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी संकल्प लिया हो उतने दिन सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। यदि संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए, इससे सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को जल देने का मंत्र बताया है जिसका उच्चारण अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणे सूर्याय नम। इस मंत्र का अर्थ है कि हे सूर्यदेव, मैं आपकी आराधना करती हूँ, आप मुझे ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित करें। दिन के निर्माता, आप मुझे बुद्धि प्रदान करें और आप मेरे मन को रोशन करें। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सूर्यदेव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार करना चाहिए, परंतु मुख्य रूप से रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन माना जाता है, इसलिए कुंडली से सूर्यदोष को दूर करने के लिए रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपासना करनी चाहिए और सूर्यदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र आदि इन वस्तुओं का रविवार के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। यदि व्यक्ति बीमार है अथवा घर में सूतक है या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण वह सूर्यदेव को अर्घ नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रबंध किया गया है, अर्थात आपने मन ही मन सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। सूर्यदेव पूर्व दिशा से होता है और यदि किसी कारणवश सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ दे सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्य को अर्घ देने का संकल्प ना छोड़े। इस प्रकार से भगवान शिव ने सूर्यदेव को अर्घ देने की विधि, सूर्यदेव को अर्घ देने का मंत्र बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।